गुड मॉर्निंग गाइज, और आज है डे थ्री, और डे थ्री में मुझे थोड़ा सा भी हेयर कट कराना पड़ेगा, तो मैं आपको हेयर कट की शूट दिखाने लगा, कितनी बड़ी हो गई है, तो उसको हेयर कट कराना पड़ेगा, और एक दो काम है छोटे मोटे बाहर जाके करना पड़ेगा। तो गाइज अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं, 10 बज रहे हैं गाइज, 10 नहीं बज रहे, अभी 9 बज रहे हैं, 9 बजने में 2 मिनट बाकी है अभी, तो मैं निकलता है जाके आपको हम शॉप दिखाते हैं, जो शॉप पर मैं रेगुलरली 3 से लेकर 4 बार हेयर कट कराता हूँ, बहुत बढ़िया शॉप है। तो जो लोग नीमपुरा या मलंचा में रहते हो तो गाइस आकर काट सकते हो फुली, मतलब मेरी तरफ थम्स अप है, और मेरी कटिंग देख के या भैया की कटिंग देख के आप पता कर सकते हो कि कैसे काटते हैं, ठीक है। तो आप जाके विज़िट करो, पहले मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद चलो मिलते हैं। गाइस मैं आ चुका हूँ, अभी यहाँ पे मैं हेयर कट कराता हूँ, दिखाता हूँ एकदम, ये जो गुरुद्वारा रोड है उसके सामने ही, जस्ट एकदम सामने, तो ये जो लॉज है ये जाना पहचाना होगा आपके लिए, यहाँ से हाईवे भी जा सकते हैं। तो गाइस ये शॉप देखते हैं, अंदर काटते हैं। सो गाइस आपके लिए एक ऑफ़र है, और वो ऑफ़र एलिजिबल तब होगा जब आप हेयर कट कराओगे इस शॉप पे, तो तभी आपको वो ऑफ़र के बारे में मैं तो बता ही दूंगा आगे वीडियो में, बट आपके लिए वो तब अवेलेबल होगा। तो गाइस कटिंग हो चुकी है, फिलहाल बोलते बात क्या है, हेयर कटिंग का 70 रुपया कटिंग का है, ठीक है। देखो एकदम मस्त से बाल सेट करके दे देंगे, घर चलते हैं गाइस, दिखाते हैं आपको फिर, दाढ़ी वाड़ी भी सेफ कर लिया उसका, आई थिंक 50 रुपीज देता है भैया, सेफ कटिंग वटिंग कर देंगे पूरा, टोटल 120 मेरा हो गया, ठीक है। चलते हैं घर, दिखाते हैं क्या होता है। तो गाइस मैंने एक डील आपसे आप लोगों के लिए है, जो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ये शॉप देख लो, पहले ये शॉप है पे, ठीक है। आप आना, मेरे चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए, और भैया को दिखाना, तो भैया आपको फ्री में वैक्स लगा देंगे, ठीक है, फ्री में, वो नो चार्जेबल है। तो भैया से बात हो चुका है, बट भैया को दिखाना पड़ेगा कि आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है, ठीक है। तो ये डील आपके लिए स्पेशली, जो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भैया को दिखाना, फिर अनसब्सक्राइब मत कर देना गाइस, चलो चलते हैं घर। बैक गाइस, और अभी मैं हूँ पोस्ट ऑफिस के सामने, और ये खड़गपुर का पोस्ट ऑफिस, खड़गपुर का नहीं, ये नीमपुरा का पोस्ट ऑफिस है, जो बहुत ही बुरी कंडीशन में दिखा रहा हूँ। ये है खड़गपुर नहीं, नीमपुरा का पोस्ट ऑफिस, ठीक है, जो खड़गपुर के अंदर पड़ता है, शीशे फटे हुए हैं, बहुत बुरी कंडीशन है, बहुत बुरी, बीच बीच में लगता है ये रॉ का हेडक्वार्टर है, इतना जंगल के अंदर है ना यार, पता ही नहीं चलता, बाहर से दिखता ही नहीं है, बट 2-3 बैनर और हमारा नॉस्टैल्जिया हिट करता है ये कि पोस्ट ऑफिस भी एग्जिस्ट करता है आज भी, और यही है पोस्ट ऑफिस, और इसके सामने ऑपोजिट में रेल का एक हॉस्पिटल है, और देख सकते हो लिखा हुआ है, एक इतना बड़ा है, देखो गाइस इतने बड़े एरिया में बस इतना छोटा सा है बस, ये भी तो एक दो बार डॉक्टर आते हैं, दवाई ववाई लेते हैं, जंगल ही जंगल, यहाँ पे मंदिर है, जंगल ही जंगल, और यहाँ पे हम गाड़ी में है बस, और पोस्ट ऑफिस पे काम था इसलिए आए थे, आपको दिखाया था, ये रेलवे सिटी कह सकते हो उसको, रेलवे पूरी मेंटेन करती है, जंगल ही जंगल गाइस, ग्रीनरी ग्रीनरी एवरी, ये वाह यार कितना अच्छा लग रहा है, पेड़ देखो भाई, अच्छा है कि मेंटेन किया जाता है बस। दिखाते हैं फिर घर, मैं ही ड्राइव करता हूँ इससे, मतलब वीडियो शूट करना पॉसिबल नहीं हो पाता, अकेले ही रहता हूँ, तो गाइस यहीं पर हूँ, बहुत खाली सा छांव के नीचे हम बैठेंगे अभी, क्योंकि काम अभी 30-40 मिनट लेट है, क्योंकि ये सरकारी दफ्तर है गाइस, ठीक है मिलते हैं। यही है वो सरकारी दफ्तर जहाँ से मैं बात कर रहा था, इतनी बुरी कंडीशन है, देख रहे हो अंदर सारे बैठ बैठ के काम कर रहे हैं, कुछ भी अच्छी व्यवस्था नहीं है, देखो गाइस पुराना सा नॉस्टैल्जिया वेट कर रहा है। गाइस सरकारी दफ्तर आपने देख ही लिया, और उसके बाद मैं आके रेस्ट करने लग गया, कुछ काम ही नहीं था, शाम को निकलना भी नहीं था, हर दिन निकलना नहीं होता ना, कुछ काम रहता तो निकलते हैं, वरना ऐसा कुछ काम होता नहीं है फिलहाल, बाकी अभी घर में ही है, कुछ काम है नहीं, इसलिए कुछ दिखाने लायक था नहीं, तो आई गेस वीडियो को यहीं पे एंड करना पड़ेगा, अगर कुछ होता है तो मैं दिखाऊंगा। याद आया भाई, तभी आज मुझे पापा को लेने जाना है, ठीक है, गिरी मैदान जहाँ से मैं आया था, तो भाई मुझे लेने जाना है, वो नाइट में करीब 10 बजे या 9 बजे करीब, तो वो व्यू मिलते हैं फिर वहाँ पे डायरेक्ट। चलो गाइस हम अभी जा रहे हैं पापा को लेने के लिए, टाइम देख सकते हो रात के 10 बजने वाले हैं अभी, ठीक है चलते हैं गाइस, कल इलेक्शन है ऐसे भी। तो गाइस ये रात को गिरी मैदान स्टेशन, पापा आ रहे हैं,
चलो पापा को रिसीव करके चलते हैं। रात की व्यू है गाइस, और ये सीक्रेट रास्ता जाने का। गाइस तो आ गया मैं अपने घर। फिलहाल ये घर के बाहर की व्यू है गाइस, हमारा पेड़ है ये जा रहा है बाहर। यहाँ पे एक क्या कहते हैं रस्सी है, रस्सी नहीं वायर है, वायर है, हाँ वायर है करंट का। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय बाय।